ये हकीकत उस नामुराद शख्स की है जिसने हादसे को हत्या मानकर दिल में इंतकाम की शमा रोशन कर ली। भाई की मौत का बदला अपने साथियों के साथ मिलकर उसने कुछ यूं लिया। किलोई नहर के पास कुछ दिन पहले ही एक नरकंकाल मिला था और मामला काफी गंभीर था, इसलिए इसको CIA 1 को मैंने जांच दे दी। इस मामले में CIA 1 ने कल 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये जो कंकाल था ये नवीन सनफ राजेश नाम के एक व्यक्ति का था जो किलोई का ही रहने वाला है और ये 23/8 से घर से गायब था। इनके पिता ने 1 तारीख को सदर पुलिस स्टेशन में इनकी गुमशुदगी की के लिए FIR दर्ज करवाई थी और कुछ आदमियों पर शक भी जाहिर किया था। तब से हम इस मामले की जांच कर रहे थे। जुलाई के महीने में इसी साल रोहतक के किलोई गांव में एक हादसे में मौत हुई, मगर जिस मोनू की मौत हुई उसके भाई संदीप ने उसे साजिशन हत्या मान लिया और कसूरवार ठहराया गांव के ही नवीन को। उसके बाद जब ये स्केलेटन मिला है तो मामले को और गंभीरता से जांच करते हुए कल 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इनका नाम है संदीप पुत्र सतबीर, एक और दूसरे संदीप हैं उनके पिता का नाम बच्ची है और तीसरे हैं सोनू पुत्र जसबीर। ये तीनों किलोई के रहने वाले हैं और प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इनके मुताबिक 23/8 को ये तीनों और इनके दो और साथी वहाँ नहर पर गए थे, वहाँ पर इन्होंने शराब का सेवन किया। उसके बाद वो जो दो अलग साथी थे वो निकल गए और ये जो तीनों आरोपी हैं ये नवीन को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। कुछ दूर जाते ही जहाँ संदीप का खेत था वहाँ पर इन्होंने नवीन को गिरा दिया, उसको धान के खेत में जो पानी होता है उस पानी में डुबा कर उसकी हत्या कर दी। ये वही नवीन था जो गांव के ही कृष्ण और राहुल के साथ उसी ऑटो में सवार था जिसके नीचे दबकर मोनू स्वर्ग सिधार गया। बस इस हादसे को हत्या मानकर चल रहा संदीप अपने साथियों के साथ मिलकर नवीन से इंतकाम लेने की साजिश पालने लगा और एक दिन जो तीनों आरोपी हैं ये नवीन को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। कुछ दूर जाते ही जहाँ संदीप का खेत था वहाँ पर इन्होंने नवीन को गिरा दिया, उसको धान के खेत में जो पानी होता है उस पानी में डुबा कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसको नहर पर उसकी डेड बॉडी को इन्होंने डाल दिया। हत्या के कारणों के बारे में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि जो संदीप है इसके भाई का ऑटो रिक्शा पलटने से कुछ समय पहले मौत हुई थी और उस ऑटो रिक्शा में जो मृतक नवीन है वो भी सवार था और इनको ये शक था कि इस ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट होने से डेथ नहीं हुई है, ये इन्होंने मेरे भाई को मारा है। और इन्होंने ये ठान ली थी कि इस ऑटो रिक्शा में जो 4 आदमी है, एक नवीन और 3 और, उनको एक एक करके मारेंगे और उसी श्रृंखला में इन्होंने पहले नवीन की हत्या कर दी। अभी इनका रिमांड लिया जाएगा और आगे भी पूछताछ की जाएगी। 23 अगस्त को नवीन के खिलाफ रची गई साजिश बीते 9 नवंबर को कंकाल की शक्ल में बाहर निकली तो सनसनी फैल गई। नवीन की हत्या और मोनू की मौत के बीच सिर्फ एक ही कड़ी थी जिसका नाम संदीप था। बस फिर क्या, कानून के लंबे हाथ संदीप के गिरेबां तक जा पहुंचे। रोहतक से हरियाणा न्यूज के लिए हर्षवर्धन की रिपोर्ट। बारे हम कुछ नहीं कह सकते। हमने जो आज के समय में किसी आदमी को नजायज गिरफ्तार करना आपको पता कितना होगा।
शक और यकीन के बीच बस एक ही चीज पड़ी है और वो है इंसाफ की उम्मीद। इसी उम्मीद में एक चिराग घर से रोशन है और एक उसी रोशनी पर रोशन। बालकनाथ, उसका मर्डर रहा से 9 तारीख को हुआ, रात को 9 बजे। तो हम 100-150 आदमी आए हैं। आज वो रात इन्होंने पकड़ लिए थे तो हमारे को फोन गया, हम जो भरद्वार से लौटे थे वापस, तो हम आज यहाँ आए हैं। क्या बताया जा रहा है, क्यों मर्डर हुआ था, पुलिस ने क्या बताया? ये करे, पुलिस तो कह रही भाई इनका लूट मार का चक्कर था ये। अब ये हमें नहीं पता अब क्या है क्या नहीं। अगर आपको क्या लगता है लड़के की कोई किसको अब यहाँ जॉब करता था, हमको हमें तो पता ही नहीं था। उसके यार दोस्त भी जो उसके घर आए हैं, हमारे घर आए जो रात को, हमें तो उनका भी नहीं पता था। पुलिस की जांच से आप सेटिस्फाइड हो तो अभी नहीं? अभी नहीं होने का जी काम। अंबाला के कासापुर निवासी बालकनाथ की मौत एक रहस्य बनकर जिंदा है, क्योंकि कानून का दावा है कि असली गुनाहगार पकड़े गए। गुनाहगार कहते हैं कि कातिल वो हैं, मगर मकतूल की बेवा ये मानने से साफ इनकार कर देती है। क्या हम दोनों के आदमी समान था, गलती से मर गया वो, छुड़ाओ मैंने, हम उसको मारना नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता कैसे इन्होंने 3 मुजरिम पकड़े और कहते कि ये कह रहे हैं कि हमने कत्ल करा। मैं नहीं मानती उन्होंने कत्ल करा, मुझे संतुष्टि नहीं है कि उन्होंने कत्ल करा। रीजनों की अपनी टेंशन है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमने जो आज के समय में किसी आदमी को नजायज गिरफ्तार करना, आपको पता कितना हुआ। मौत की ये कैसे गुत्थी है तो सुलझ कर भी अनसुलझी सी है। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र को पुलिस पर भरोसा नहीं रहा शायद। जवाब दीजिए साहब। परिजन सवालिया निशान लगा रहे हैं पुलिस कार्रवाई पर। परिजनों की अपनी टेंशन है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमने जो आज के समय में किसी आदमी को नजायज गिरफ्तार करना, आपको पता कितना हुआ। और फैक्ट्री मालिक को परिजन देखो, ऐसी कोई हमारी तफ्तीश में इस तरह की कोई बात नहीं आई, और शुरू से ही हमारा टारगेट मौके को देख के ऐसा लग रहा था कि ये लूट की नीयत से है, क्योंकि इसके पास कोई पैसा, कोई मोबाइल या सामान नहीं था। ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में तो यही आया। उनका किस व्यू से कर रहे हैं हमें नहीं। देखो, हमारे से इतनी लंबी भी बात नहीं, उनके भी आए हैं, हमने उनको बताया। उनके कुछ निजी आदमियों ने इनसे खुद रूबरू होकर भी उनसे पूछ भी लिया, जान भी लिया उनकी बात। लूट की एक छोटी सी वारदात को कत्ल के संगीन अंजाम तक ले जाने वाले कह रहे हैं कि कत्ल उनसे हुआ। ये वो इकबाले बयां है जिस पर पुलिस की तफ्तीश तक मुहर लगा रही है। हम दोनों के आदमी समान था, गलती से मर गया वो, छुड़ाओ मैंने, हम उसको मारना नहीं चाहते थे। वो गिरा, हम उसको मतलब पैसे छीनने के चक्कर में थे जी, अपने दारू दूर के चक्कर में, नशेबाजी के चक्कर में थे, पैसे लेने चाहते थे। और जबरदस्ती उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, छुरी थी हाथ में, वो इधर उधर घुमाने के चक्कर में वो गिरा हमारे ऊपर, और उसकी पता नहीं अचानक लग गई थी अपने। हाँ जी, मेरी जो वहाँ से आ रहा था, हम उधर बैठे हुए थे। अच्छा, बैठे हुए थे रास्ते में। हाँ जी, उसको तो 5-6 चक्कू लगे। नहीं जी, 5 ही नहीं, वो जो बस छुड़ाओ में इधर घुमा रहा था ना जी, उस चक्कर में हाथ में से लग गई थी उसके। उसके बाद क्या किया मारने के बाद आप? वही जी, हम उसका सामान सुमान छोड़ के भाग गए जी। हाँ, तो लेके गए? नहीं जी, उस भाग गए थे जी। मगर मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में बैठी बालकनाथ की बेवा अपनी पति के कत्ल को और संजीदा मानती है। जरा सुनिए। मेरे हस्बैंड का कत्ल हुआ वीरवार की रात को यहाँ पे, वो लास्ट बार मेरी बात हुई सब मालक की दुकान पे। और अब मैं कह रही हूँ पुलिस वालों को कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो कहते कि हम तुम्हारे कहने पे मालक को नहीं चख सकते। लास्ट बार भी मेरी बात मालक के दुकान पे ही हुई, और पीछे मालक भी उससे गाली गलौज कर रहा था। इन्होंने, मुझे नहीं पता कैसे इन्होंने 3 मुजरिम पकड़े और कहते कि ये कह रहे हैं कि हमने कत्ल करा। मैं नहीं मानती उन्होंने कत्ल करा, मुझे संतुष्टि नहीं है कि उन्होंने कत्ल करा। मैं नहीं इस बात को मानती, और तनख्वाह भी तो पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे। मैं नहीं मानती, कोई सामान नहीं है उनके पास, कोई कुछ नहीं है। मेरे आदमी का ना फोन है ना पर्स है, और अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। ऐसे यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं कि यही कातिल है? सकती और मालिक कह रहे, विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। मैं नहीं मानी, आगे से मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं कि मालक के खिलाफ रिपोर्ट करके मार के मार करके मालक की बात करके माल। पुलिस तो यही कह रही है कि यही कातिल है, ऐसा कैसे कर रहे हैं? क्या मांगे आपको, क्या कहा? मेरी मांग ये है कि मुझे लास्ट बार जब मालक से बात हुई तो मालक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा, और ये लिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मुझे कैसे एक्शन लो मालक के खिलाफ। तो
सच क्या है, जो पुलिस बोल रही है, जो मुजरिम सुना रहे हैं, या फिर वो जिसे शायद कोई नहीं जानता। अंबाला से हरियाणा न्यूज के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। अतीत में झांकता है तो सहम जाता है दिव्यांग उपेंद्र। उस वारदात को याद करके सिहर जाती है उसकी रूह भी। बोलता है कि जल्लाद बने थे उस दिन वो लोग। चंडीगढ़ वाला चंडीगढ़ स्टेशन से बैठे ट्रेन पर, चंडीगढ़ से केरल जाता है, तब विकलांग डिब्बा में बैठ गया। पीछे में कोई आदमी नहीं था, हम ही बैठ गए। गार्ड होकर पीछे है, हाँ, और उसमें बीड़िया गांजा पिया हमरा। फिर ट्रेन खुला, अब हमको से पैसा पीट पीट के पैसा मोबाइल ले लिया। हमको गमछा से बांध कर हमको फांसी लगाने जा रहा था, कैसे छटा करके। और फिर ओकर बाद छूट पड़े तो फिर लतिया से मारा दूला, तब फिर हम डिब्बे से फेंका गया चलती ट्रेन में, तो कैसे हम बच गए। चंडीगढ़ से केरल संपर्क क्रांति में सवार हुए उपेंद्र को ये मालूम ना था कि उसकी जिंदगी किस तरफ करवट लेने वाली है। सुना है कि नशे में उनके सर पर भूत सवार था, वो जल्लाद नहीं, जीती जागती मौत थे। जरा सुनिए। तो फेंक के था जी, मेरे दोस्त ना फेंक के था जी, मेरे साथ ही था जी वो, उस पर पैसे पूसे लुटा था जी वो। क्या बात हुई थी सारी गाड़ी के अंदर आप साथ थे? जो उसने उस पर पैसे छीनने स्टार्ट कर दिए, उसका मारा लग गया, वो उसका निरे मारा लग गया, फिर उसका गाड़ी में धक्का दे दिया, नीचा भगा दिया वो गाड़ी में था उसने। फिर मैं भी डर के मारे कूद गया नीचा गाड़ी में। फिर आगे मैंने मिलिया निर्मल कुटिया पा, मैं कहा भाई थम वहाँ तक कुकर आए नुका, मेरे घर वालों ने छुटवा लिया था मैं तो। फिर मैं जेल चला गया, दो तीन महीने बाद आया था घरों, तो वो पकड़ा गया था, तो उसने मेरा नाम ले दिया कि यू था मेरी गली। पहले भी इस तरह करते रहे लूपा? ना जी, पहले तो चोरी चारी कर लग रहा था जी मुझे। नशे की खुमारी में नशेबाज ये तक भूल गए कि जान इतनी सस्ती भी नहीं होती कि सीने से निकाल कर फेंक दे कोई। होश ना था, ख्याल ना था, अब कानून की चौखट पर नाक रगड़ रहे हैं मुजरे। 15 दिन से हमारे पास तफ्तीश आई, तफ्तीश के दौरान हमने उसके मोबाइल के आधार पर हम आरोपी के पास पानीपत से जिससे उनका संपर्क हुआ था, दौरान तफ्तीश मोनू नाम के लड़के को दिनांक 9 कर लिया गया, जो जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान बतलाया कि वो तीन लड़के थे, एक पानीपत का है, एक लड़का जिसका नाम जानते हैं, पूरा अतपता नहीं जानते, जिसे स्टेशन चंडीगढ़ पर ही मिला था, उसकी काफ़ी तलाश की गई है, पर उसके हुलिये के बारे में हमें मालूम हो गया है। जो एक दूसरा साथी है इसका, वो पानीपत का है, जिनकी तलाश जारी है। ये मत भूलिए साहब कि हर नशा जिंदगी से छोटा है, आक्रोश का कोई भी लम्हा सांसों से लंबा नहीं, और इंतकाम की कोई भी चुनौती इस जहान से बड़ी नहीं। ये सबक रहे और याद भी। अंबाला से हरियाणा न्यूज के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।